गाइस गुड मॉर्निंग। सो गाइस अपन हम क्या कर रहे थे, हम अपना एंशियंट हिस्ट्री कर रहे थे जिसमें अपना प्री हिस्टोरिक इंडिया पढ़ लिया था। और आज हम अपना स्टार्ट करेंगे कहते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल सकते हो, आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा ICC। फाइन, तो अब हम सबसे पहले वही पढ़ते हैं किसका टाइम पीरियड क्या है। अगेन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अकॉर्डिंग इसका जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग लिखा जा सकता है, लेकिन हम अपनी जो बुक रेफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम पीरियड है वो 2300 से लेकर 1750 BC तक है। और ये जो टाइम पीरियड बता रखे हैं वो DP अग्रवाल जी ने बता रखे हैं। अब हम ज़रा इसका देख लेते हैं एक्सकवेशन का, मतलब कि हड़प्पन जो वैली है या फिर ICC है इसकी जो मेन क्या जो भी हमें जहाँ से इसका साइट्स मिली हैं, सबसे ज़्यादा है आपको हड़प्पा से मिलेगा, ठीक है, या फिर मोहनजोदड़ो। आपको पता होगा ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो सिंध में पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स ये कौन कौन सी है कोड दीजिए। तो गाइस अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे तो अगर आप लाइक जैसे SSC वगैरह इन सब के एग्जाम्स में तो इन साइट्स के भी काफ़ी ज़्यादा क्लासिफिकेशन कर रखी है, ठीक है। जैसे आप ल्यूसेंट GK अगर आप लोगों ने किसने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है बट अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो ल्यूसेंट GK में क्या कर रखा है इन साइट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल कर रखा है। लेकिन देखो हम अगेन क्योंकि हम UPSC वांटेड पढ़ रहे हैं और इस बुक के अकॉर्डिंग पढ़े तो इसमें बस इनका नाम बता रखें, जो इंपॉर्टेंट साइट्स है कोड दीजिए। आपको इतना पता होना चाहिए कौन से स्टेट में बिलोंग करता है, कालीबंगन, ठीक है, ये है राजस्थान में। इसके बाद हमारा रोपड़ है, ठीक है, जो भी पंजाब में है। बनावली ये हमारा हरियाणा में है, ठीक है। और इसके बाद बनावली के बाद राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी ये भी अपना हरियाणा में है, ठीक है। और फिर गुजरात की तीन साइट्स हैं मेनली, लोथल, ठीक है, सूरकोडोडा जो भी है और धोलावीरा। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा कि हाँ लोथल पोर्ट सिटी थी, धोलावीरा में अच्छा आपको ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स होते हैं, पोर्ट दीदी, कालीबंगन, रोपड़ जो कि पंजाब में है, बनावाली राखीगढ़ी हरियाणा में है, गुजरात में है, लोथल, सूरकोडोडा और धोलावीरा, ठीक है। तो वैसे तो देखो सबसे जो बिगेस्ट साइट थी किसमें, देखो मैक्सिमम जो साइट थी 400 हेक्टर एरिया की थी, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वो काफ़ी बड़ी मानी जाती थी 200 हेक्टर एरिया की, लेकिन फिर भी जो सबसे बिगेस्ट साइट थी हड़प्पन साइट थी वो थी राखीगढ़ी जो कि कहाँ पे हरियाणा में, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट द बिगेस्ट हड़प्पन साइट। फाइन, अब गाइस जो हड़प्पन कल्चर है ये भी एक्चुअली में क्या हुआ है, बटा हुआ है, स्टेजेस में बटा हुआ है, ठीक है। मैं आपको ये इसका एक हम चार्ट बना के हम पढ़ते हैं। एक तो प्री हड़प्पन है, फिर अर्ली हड़प्पन है, फिर मैच्योर हड़प्पन है और उसके बाद लेट हड़प्पन, ठीक है। तो इस तरह से चार स्टेटस हैं। अब यहाँ पे इन सबका एविडेंस कहाँ से मिला हुआ, तो प्री हड़प्पन का जो एविडेंस है वो ईस्टर्न बलूचिस्तान से मिला हुआ और कहाँ पे मिहारगढ़ से मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो फैक्ट्स को देखते हैं, जैसे प्री हड़प्पन कल्चर था तो यहाँ के क्या फैक्ट्स हैं, साइट्स हमने देख लिए, एविडेंस हमने देख लिए कहाँ पे, ईस्टर्न बलूचिस्तान में और या फिर मिहारगढ़ में, ठीक है। यहाँ पे क्या फैक्ट्स ये था कि यहाँ पे लोगों ने सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ क्या कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी। फाइन, इसके अलावा अर्ली हड़प्पन में यहाँ की जो साइट्स हैं वो है अमीर एंड कोट दीजिए भी हमने पढ़ा कहाँ पे, गुजरात में। यहाँ पे फैक्ट देखने को मिला कि यहाँ पे टाउन सी ग्रोथ होने लगी, लार्ज विलेजेस आए, ठीक है, और लोग थोड़ा ट्रांजिट होने लगे रूरल से अर्बन लाइफ में। फाइन, मैच्योर हड़प्पन में क्या है, साइट्स ऑफ कालीबंगन, यहाँ से आपको कुछ इसके एविडेंस मिलेंगे। अगेन यहाँ पे लोगों ने टाउन प्लानिंग करने लगे अच्छे से और अर्बन फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आया लेट हड़प्पन, लेट हड़प्पन यहाँ पे एक्सकेवेशन काम मिलेगा आपको लोथल जो कि पोर्ट सिटी है। अगेन लोथल जो था काफ़ी अच्छा पोर्ट सेंटर था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था बिटवीन हड़प्पन, देखो आपको पता है ना जो पुरानी साइट्स हैं वो हड़प्पन या फिर मेसोपोटामिया, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था दोनों साइड्स में, ठीक है। और यहाँ पे सो दैट फ्लड से प्रोटेक्ट करना है तो काफ़ी ज़्यादा ब्रिक वॉल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कुछ प्री हड़प्पन इसका जो एविडेंस कहाँ से मिला, ईस्टर्न बलूचिस्तान एट मिलाकर फैक्ट यही है कि यहाँ पे लोगों ने सेटल एग्रीकल्चर लाइफ स्टार्ट कर दी थी। अर्ली हड़प्पन की जो आपको एविडेंस मिला कोर रीजन में भी यहाँ पे लोगों ने टाउन्स का ग्रोथ होने लगा, लार्ज विलेजेस मिलने लगे और लोग अर्बन लाइफ को प्रेफर करने लगे। मैच्योर में कालीबंगन से मिलेगा टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन अर्बन फीचर रहेगा और लेट हड़प्पन का जो आपको एविडेंस है वो लोथल से मिलेगा और यहाँ पे पोर्ट था लोथल ट्रेड सेंटर था जो कि खिते के बीच में हड़प्पन और मेसोपोटामिया के बीच में। अगेन यहाँ पे मैसिव ब्रिक वॉल यूज़ की जाती थी सो दैट फ्लड से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टाउन प्लानिंग कैसे होती थी, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखो तीन चार चीज़ें पढ़ेंगे, हड़प्पन लोगों की टाउन प्लानिंग, हम यहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ पढ़ेंगे, ठीक है, लोग कैसे अपना घर चलाते थे, सोशल लाइफ कैसी थी, कैसा उनका म्यूजिक डांस कपड़ा रहन सहन आर्ट्स कैसी थी, ठीक है। फिर हम इनका स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, क्या उनकी लैंग्वेज थी, फिर हम उनका रिलीजन पढ़ेंगे, फिर हम इनके बुरियल मेथड्स, बंदा मर जाता तो क्या दफनाते थे, कैसे दफनाते थे,
तो डिक्लाइन कैसे हो, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना टाउन प्लानिंग से। टाउन प्लानिंग आपने अगर देखो थोड़ा बहुत क्योंकि हम तो रिविजन करें, क्या पता आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो भी बढ़िया, कोई बात नहीं। टाउन प्लानिंग मतलब कि यहाँ पे क्या होता था, अच्छे से स्ट्रीट्स होती थी, ठीक है, लेन्स कटी होती थी, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पे कटी होती थी, ग्रिड पैटर्न था, राइट। तो इस तरह से ऐसे जा रही है, राइट। तो ग्रिड पैटर्न था, ग्रिड सिस्टम था। यहाँ पे क्या था, सिटाडल था जो कि फोर्टिफाइड था, कहाँ कहाँ पे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीकुंगन में, ठीक है। ब्रिक हाउसेस थे, मतलब कि ईंटों से घर बनाए जाते थे, और यहाँ पे जो ईंट बनाई जाती थी वो हम बर्न ब्रिक्स यूज़ करते थे फॉर कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। और ग्रेट बाथ था, आई थिंक आपको पता हो ग्रेट बाथ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और ये लार्जेस्ट जो बिल्डिंग थी उस वक्त की वो की थी ग्रेनरी, ठीक है। बाकी इसकी डायमेंशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, टाउन प्लानिंग की बात कर रहे थे। तो मैंने बोला ग्रिड सिस्टम था, मतलब कि जो स्ट्रीट्स और लेंस थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती थी। हड़प्पन, मोहनजोदड़ो और गालीबंगन में क्या था, सिटाडल था। सिटाडल का मतलब क्या होता है, लाइक कुछ इस तरह का सिस्टम होता था कि यहाँ पे लार्ज बिल्डिंग होती थी और नीचे यहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे आप सीढ़ियाँ चढ़ो और ऊपर आपको एक काफ़ी हाई बिल्डिंग मिल गई और नीचे, ठीक है। तो एक तरह का सिस्टम था हड़प्पन, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन में। हाउसेज बनते थे बॉन ब्रिक से, ठीक है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। वो ग्रेट पार्ट था मोहनजोदड़ो में, और लार्जेस्ट बिल्डिंग थी ग्रेनरी, फाइन। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक लाइफ, मतलब कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे कौन सा जो ट्रेड था या जो क्या सोर्स था लोगों की कमाई का, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर ही था, इंडस्ट्रीज थी और क्राफ्ट एंड ट्रेड्स था, ठीक है। तो वहाँ पे मेन क्रॉप्स कौन कौन सी, आपको यू शुड नो, मेन क्रॉप्स थी वहाँ की वीट और बार्ले, ठीक है। इसके अलावा और भी थी, सीसेम हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, कॉटन हो गया, ये सब कुछ इनको कल्टिवेट किया जाता था। इसके अलावा क्या क्या एनिमल्स को पाला जाता था, शीप, गोट, कैटल, ठीक है, बुफेलो, इवन जो डियर हैं उनको क्या किया जाता था, हंट किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा हम वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते थे पॉटरी की, बीड्स की। हॉर्स का एविडेंस भी मिलेगा कहाँ से, सुरकाटोरस, सुरकाटोटा जो कि गुजरात की एक साइट है, वहाँ पर आपको हॉर्सेस का एविडेंस मिलेगा। देखो इसी तरह हमें साइट्स का पता चलेगा कि किस साइट्स कहाँ से हमें क्या मिला और वो साइट्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फाइन। तो इकोनॉमिक लाइफ हमने देख लिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्रॉप्स, क्राफ्ट एंड ट्रेड होता था। मेन जो क्रॉप्स थी वो वीट और बार्ले थी। सीसे, मस्टर्ड, कॉटन को कल्टिवेट किया जाता था। शीप, गोट, बुफेलो को डोमेस्टिकेट किया जाता था। एनिमल्स जैसे डियर होते हैं उनको हंट किया जाता था। पोल्ट्री और बीट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था। फोर्स का एविडेंस मिला सुरकाटोटा से। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आर्टिसंस थे, आर्टिसंस मतलब कि गोल्डस्मिथ भी थे, सुनियार भी थे, ब्रिक मेकर्स तो जो आपकी ईंटें बनाते थे, जो स्टोन कटर्स भी थे जो स्टोन काटते थे, वीवर्स जो भी कुछ बुनते थे, बोट को बिल्ड करते थे, टेराकोटा मैन्युफैक्चर भी थे। तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिसंस देखने को मिले थे। इवन हम लोग फॉरन में भी ट्रेन करते थे, सो हम लोग कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग फॉरन में ट्रेड करते थे, जैसे अभी बताया मेसोपोटामिया में करते थे, अफगान के साथ करते थे, ईरान के साथ करते थे। अब देखो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए था, ऑफकोर्स ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। इंपोर्ट आप क्या करते थे, गोल्ड, कॉपर, मतलब ये चीज़ें हमारी इंडिया में शुरू से कमी रही है, टिन और कुछ सेमी प्रेशियस मेटल, इन सबको हम इंपोर्ट करते थे, क्या गोल्ड, कॉपर, टिन और सेमी प्रेशियस। एक्सपोर्ट क्या करते थे, ऑफकोर्स एग्रीकल्चर में इंडिया हमेशा थोड़ा आगे रहा, तो एग्रीकल्चर आइटम्स हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, जैसे वीट, पार्ले, पीस, ऑयल सीड्स, ठीक है, एंड मैनी अदर एवरी प्रोडक्ट्स। एवरी आपको पता होगा जो काफ़ी किताब होते हैं उन सबको हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। सील्स आपको बाई जाएगी कहाँ पे, मेसोपोटामिया में, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में सील्स मिलेगी। हम क्या करते थे, ट्रेड जो होता था वो बार्टर टाइप, ऑफकोर्स उस वक्त पैसे नहीं होते थे तो बार्टर टाइप ट्रेड होता था, मतलब कुछ लिया तो कुछ दिया, फाइन। बुफेलो को यूज़ किया जाता था, बुफेलो का ऑप्शन, मतलब कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी कार जाना है तो भाई यही थी, बुफेलो कार्ट हो गया, ऑक्सन हो गया, ठीक है। और अगर आपको सी ट्रांसपोर्ट करना है तो बोट्स या शिप्स यूज़ करते थे, राइट। तो ये तो आई थिंक क्या कॉमन है, राइट। तो अपने पढ़ ली इकोनॉमिक लाइफ, अगेन थोड़ा आपको बता दूँ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्राफ्ट ट्रेड, मेन क्रॉप थे वीट, बार्ले, सीसेम, मस्टर्ड, कॉटन, शीप जो बुफेलो को डोमेस्टिकेट किया जाता था, एनिमल को हंट किया जाता था, पोल्ट्री बीट्स को मैनुफेक्चर किया जाता था, एविडेंस मिला बोट्स का कहाँ से, सुरकाटोटा से, आर्टिसन से, डिफरेंट काइंड ऑफ बोट्स में थोड़ा बिकने का होता, फॉरन से ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया का नोएडा से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते थे, क्या क्या करते थे ये हमने पढ़ लिया। इसी समय मैंने मेसोपोटामिया की ट्रेड जो होता था वो बार्टर टाइप का होता था। हम लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए बुलक कार्ट, बॉक्सिंग कार्ट यूज़ करते थे, और सी ट्रांसपोर्ट के लिए बोट्स एंड शिप्स को यूज़ करते थे। नेक्स्ट है सोशल लाइफ, ठीक है। सोशल लाइफ मतलब कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, ड्रेसेस क्या थी, गेम्स थी। देखो मैन वुमेन दोनों भी अपर भी पहनते थे, लोअर भी पहनते थे, ठीक है।
ऑर्नामेंट्स पहनते थे गोल्ड के, सिल्वर के। तो मैं आपको बता दूँ कि ऑर्नामेंट्स पहनते थे वुमेन वुमेन दोनों के द्वारा पहने जाते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, या फिर जो सेमी प्रेशियस कंपनी, इन सब के ऑर्नामेंट्स को पहना जाता था। ज्वेलरी, ज्वेलरी में जैसे चूड़ियाँ होंगी, बैंगल्स हो गया, ब्रेसलेट्स हो गया, ठीक है, फिलेट्स, ठीक है, या फिर आई मीन फिलेट्स लाइक कुछ पैरों में जैसे होते हैं ना अंगूठियाँ, अंगूठियाँ, ग्रिडल्स, एंकलेट्स, इयर रिंग्स, ये सब कुछ हम गति के पहनते थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये भी की चीज़ें मैं आपको बता दूँ, नाइट्स भी होते थे जो कि कॉपर से बनते थे, कॉम्ब्स भी होते थे, फाइन, गंगा वंगा सब होता था वहाँ पे, नीडल्स भी होती थी, ठीक है, फिश हुक्स भी होते थे, ये सब बनता था। ये सब चीज़ें किससे बनती थी, कॉपर से बनती थी। लोग बच्चों के लिए टॉयज भी होते थे, चिल्ड्रन के टॉयज भी होते थे, जैसे इंक्लूडिंग कुछ लिटल प्ले प्ले के कुछ बने हुए खिलौने भी होते थे, फाइन। गेम्स के लिए मार्बल्स, बॉल्स, डाइसेस, ये सब होते थे, चेस वगैरह खेलने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो एडल्ट्स लोग थे वो मेनली क्या क्या खेलते थे, पास टाइम करने के लिए फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे, बुल फाइटिंग भी करते थे। तो ये सब उस वक्त कुछ फेमस पास टाइम गेम्स होती थी। इसके अलावा कुछ वॉर के वेपन्स भी मिलेंगे जो मेनली कॉपर बोन से बने होते थे, जैसे बाउस, एरोस, एक्सिस, डैगर्स। डैगर्स क्या होते हैं, जो वेपन्स बेसिकली यूज़ किए जाते थे फॉर वॉर। तो ये सब किससे बनते थे, कॉपर एंड बोन से बनते थे। एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, सोशल लाइफ में अपर एंड लोअर गारमेंट्स होते थे फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ऑर्नामेंट बनते थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर दोनों से, फिशेस स्टोन से। ज्वेलरी यूज़ करते थे बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, फिलेट्स, ये सब किए जाते थे। और कॉस्मेटिक्स भी यूज़ किए जाते थे, कॉमन था, एंड इट कैन बी यूज बाय मैन एंड द वुमेन। स्पिंडल्स, नीडल्स, कॉम, फिश हुक, साइंस, ये सब भी यूज़ किए जाते थे विच वर मेड ऑफ कॉपर। चिल्ड्रन के टॉयज होते थे इंक्लूडिंग लिटल प्ले कार्ड्स, मार्बल, बॉल्स एंड डाइम्स, इसको यूज़ किया जाता था फॉर गेम्स। फिशिंग, हंटिंग, बुल फाइटिंग, दिस वर द फेमस पास टाइम्स। इसके अलावा जो बोस, एरोस, एक्सिस, इवन के जो वेपन ऑफ वॉर थे, दे वर मेड ऑफ द कॉपर एंड द फाइन। नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं बाकी आर्ट्स। आर्ट क्या था, सबसे पहले आपको वहाँ पे अगर कोई सील मिलती थी तो सील्स पे कौन कौन से फिगर बनाई जाती थी, मैन की, वुमेन की, एनिमल की या बर्ड्स की, इन सब के फिगर्स आपको देखने को मिल सकती है सील्स पे। मोहन बाबू में आपको पता होगा फिगर मिली थी डांसिंग गर्ल की, ठीक है, जो किससे बनी हुई है, बोन से बनी हुई है, फाइन। हड़प्पन में आपको मिलेगा, ये कहाँ से मिला आपको, मोहन बाबू से। हड़प्पन से आपको मिलेगा टू स्टैचू, ऐसा स्टैचू मिलेगा जिसमें जो बैक भी हो वो ऐसा स्टैचू जिसमें मैन का बैक भी बना रखा है, प्लस कुछ डांसिंग भी वो कर रहा है इस तरह से। यहाँ पे आपको पोर्ट्स एंड जार्स मिलेंगे जिसको वेरियस डिजाइंस में बनाया हुआ है, ठीक है, कलर्स यूज़ करके बनाया हुआ है। इवन कि उन पोट्रीज पे, जो पोट्रीज हैं उस पे हम कुछ फिश इसकी फिगर यूज़ करते थे, पीकॉक। अभी हमने बोला कि जो वहाँ पे सील्स थी उसमें मेनली मैन, वुमेन, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब के फिगर्स को यूज़ किया जाता। मोहन बाबो से फेमस फिगर डांसिंग गर्ल बनी मिली थी बहुत से। हड़प्पा से एक स्टैचू मिला था जिसमें बैक भी था मैन का, और एक और स्टैचू मिला था जिसमें डांस कर रहा था। पोर्ट्स और जार्स को वेरियस डिजाइन में पेंट किया जाता था। कुछ पोर्ट्रीज में फिश और पीकॉक की भी फिगर मिलेगी। पिक्टोरियल कुछ मोटिव थे, वहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखने को मिलेगा, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गया, सर्कल्स, लीव्स, पांच एंड, ये सब आपको देखने को मिलेगा, फाइन। तो ये कुछ आर्ट्स के बारे में था। स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। आई थिंक स्क्रिप्ट मैंने आपसे पहले डिस्कस की हुई है। देखो आपको बताया था कि जब तक स्क्रिप्ट नहीं थी तो उससे पहले वाले पीरियड को प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। जैसे स्क्रिप्ट आ गई तो उसके बाद ये जो पीरियड था वो थोड़ा बढ़ गया। उस वक्त जो लोग वहाँ के लोग स्क्रिप्ट थी वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट होती थी, और उनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, द्राविड़ियन, ठीक है। देखो जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट होती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट होती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ साइंस होते थे 400 to 600, जिसमें से 40 or 60 बेसिक होते थे एंड रेस्ट आर वेरिएंट, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना क्या साइंस है। नेक्स्ट है रिलीजन, वहाँ का रिलीजन क्या था। देखो वहाँ पे जो मेन जो वो जिसको पूछते थे वो पशुपति जी को पूछते थे, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पशुपति में जो उनका पोस्टर था वो तीन फेसेस थी, दो होम्स हैं, वो सराउंड किया गया बाय द फोर एनिमल्स। और चार एनिमल्स कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिफेंट, टाइगर, रीनो एंड बफेलो। भाई अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेमस उनके टिप्पे थे पशुपति थे, जिनके तीन फेसेस हैं, दो मोन्स हैं, मतलब सीन दो हैं, और तीन उनके मुख दिखा रखे हैं, और जिनको चार एनिमल्स ने घेरा हुआ है, एलिफेंट, टाइगर, रीनो एंड बफेलो, और जो दो डियर्स उनके पैरों के पास अपीयर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम एक बार फिगर देख लेंगे इनकी, ठीक है।
इसके अलावा वहाँ पे फीमेल गोडेस भी थी, ठीक है, टेराकोटा फिगर में। और लिंगा जी को भी वर्शिप किया जाता था, ट्रीज फॉर एनिमल्स इनको भी पूजा जाता था। अभी भी हमारे पीपल का पेड़ हो गया, इन सबको पूजा जाता है। इवन वहाँ पे लोग पोस्ट इविल इन सब पे भी बिलीव करते हैं, मतलब भूत होते हैं, प्रेत होता है या जादू टोना, इन सब पे लोग बिलीव करते थे। तो ये हमारा रहा रिलीजन के बाद। नेक्स्ट है बुरियल मेथड्स। लोगों को पैसे दफनाते थे, ठीक है, लोगों को कंप्लीट बरी करते थे, अच्छे से उनको क्या करते थे, दबा देते थे, या फिर हम पोस्ट क्रीमेट भी करते थे। ये कहाँ पे करते थे, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अगर हम लोथल की बात करें तो यहाँ से कुछ पेयर ऑफ स्केलेटन्स भी मिले। पेयर ऑफ स्केलेटन मतलब कि कपल में लोगों को दबाया गया, तो इससे पता चलता है, क्या पता वहाँ पर उस पता सभी पता प्रिवेलेंट हो, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। लोथल में ये भी देखा गया, कॉफिन्स का यूज़ किया गया, मतलब कि लोगों को दफनाया गया, ठीक है, और कॉफिन्स में वुडन कॉफिन्स का यूज़ किया गया, फाइन। तो इसलिए हम क्लियर नहीं है कि वहाँ पर उस वक्त सती प्रथा एविडेंट प्रिवेलेंट थी या नहीं, ठीक है। नो डाउट हमें पेयर ऑफ स्केलेटन मिला, लेकिन हम इससे नहीं बोल सकते कि सती प्रथा उस वक्त मतलब कि प्रिवेलेंट थी या नहीं। लास्ट डिक्लाइन कैसे हुआ, हड़प्पन का डिक्लाइन कैसे हुआ, बताया जाता नेचुरल कैलामिटीज जैसे फ्लड्स आए, क्योंकि वो रिवर वैली के पास रहते थे, अर्थक्वेक्स आए, तो इस वजह से वो मतलब उनका डिक्लाइन हो गया, या फिर आयंस आई, इन्वेजन ऑफ आयंस, जिसकी वजह से उन लोगों को मतलब कि मार मोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों के पास सुपीरियर वेपन्स थे, उन्होंने उसको बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया, या फिर बोला जाता है उनकी सिटी है उसको इन्वेट किया किसके द्वारा, फोनर्स के द्वारा, राइट। तो दीज आर सम फैक्टर्स जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, दैट इज द फर्स्ट भी कहना, फ्लड्स आए अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, आर्यंस का इन्वेजन है, या फिर फोनर्स का इन्वेट, ठीक है। तो अगर इस तरह से जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है या जो इंडिया वैली सिविलाइजेशन चैप्टर है वो कम्प्लीट होता है। एक बार हम बुक से पढ़ लेते हैं, ठीक है, फाइन। जो अर्लीस्ट एक्सप्रेशन थे इंडस वैली की वो हड़प्पा में थे, जो कि वेस्ट इंडिया में, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है, और मोहनजोदड़ो जो कि सीन में, दोनों फेस करते पाकिस्तान में। जो फाइंडिंग्स मिली है जिससे पता चलता है कि वो सिविलाइजेशन अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थे, और हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, बिकॉज पहला डिस्कवर साइट था, फाइन, क्योंकि उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इससे बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो साइट है वो इंडस रिवर के पास पर हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स हम पढ़ चुके हैं, कोर दीजिए किन में, राजस्थान में कालीगंगा, रोपड़ पंजाब में, ठीक है, बानावली हरियाणा, लोठा सोटाटोटा धोलावीरा, ये तीनों के तीन गुजरात में। लार्जेस्ट सिटीज मेनली 100 हेक्टर्स के थे, लेकिन मोहनजोदड़ो इन सब में ज़्यादा लार्जेस्ट थी, जिसका साइज 200 हेक्टर्स का था। गाइस जैसे आप इस मैप में देख सकते हो हड़प्पन जो साइट्स हैं, ये मैं आज इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो कौन कौन सी है, रिवर्स आपको पता होगी वहाँ पे, झेलम रावी, ठीक है, और ये हड़प्पा, इंडस रिवर थी, मोहनजोदड़ो, छन्नूदारो, ठीक है, ये भी ये शायद इधर पड़ेगी, किधर, वेस्ट पंजाब के पास, राजस्थान में पड़ेगा, ठीक है, लोथल गुजरात में, कालीगंगा में पड़ लेगी, हरियाणा में है, नहीं सॉरी राजस्थान में है, ठीक है, कालीगंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब, राइट। तो ये कुछ साइट्स हैं जिनको रिप्रेजेंट किया गया, राइट। नेक्स्ट है ओरिजिन इवोल्यूशन, मैं आपको बता दिया कि चार तरह के स्टेजेस थे इसके, प्री हड़प्पन अर्ली नेचियो और लेटर हड़प्पन। प्री हड़प्पन कहाँ पे इसका जो एविडेंस है वो ईस्टर्न आपको बलूचिस्तान में मिलेगा, और या मेहरागढ़ जो कि मतलब कि राजस्थान में, तो यहाँ पे हमें रिवील हुआ कि प्री हड़प्पन कल्चर एग्जिस्ट कर रहा था, और इस स्टेज में जो लोगों ने स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर है स्टार्ट कर दी। अर्ली हड़प्पन स्टेज हमने देखा था कि लोग क्या करें, टाउन्स में शिफ्ट होने लगे, ग्रोथ हुआ लगे, और ट्रांजिशन हुआ रूरल से अर्बन एरिया में, और लार्जर विलेजेस में लोग रहने लगे, ठीक है। और साइट्स कौन कौन सी है, अमूरियन का पोर्ट भी, इसका मैंने एक टेबल बना दिया, अगर आप बोलोगे तो मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूँगी आपके, लेकिन अगेन मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, आई थिंक आपको समझ ना आए। मैं जो हड़प्पन स्टेज में ग्रेट सिटीज इमर्ज हुई, और इसका जो एक्सकवेशन है कालीगंगा है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाउन प्लानिंग होने लगी, अर्बन फीचर्स है। ग्रेट हड़प्पन में डिक्लाइन होने लगा इंडस कल्चर का, लोथल में काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मिलेगा, लोथल एक पोर्ट सिटी थी, इसको ब्रिक वॉल्स के अगेंस्ट सराउंड किया जाता था, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द फ्लड, ठीक है, और लोथल से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया जाता था बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द मेसोपोटामिया, फाइन। तो ये हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था डेट क्या है, डेट देखो अभी डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अलग अलग बोल रखा है। 1931 में सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने बताया गया था ये जो डेट है 3200 से 2750 BC है। फिर उसके बाद जैसे जैसे न्यू साइट डिस्कवर होता गया अगेन रेडियो कार्बन टेक्निक से, तो 1956 में फिर बोला गया किसके द्वारा, फिर उसने उन्होंने बोला कि हड़प्पन कल्चर का डेट है वो 2000 से 1500 BC थे। उसके बाद 1964 में डी के अग्रवाल जाए उन्होंने कंक्लूड किया कि नहीं भी जो डेट है वो 2300 से 1750 BC, और यही मैंने आपसे डिस्कस किया था शुरू में, राइट। तो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि जॉन मार्शल ने क्या किया, मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट स्टिल अगर आप पढ़ रहे हो तो याद रखो।
हड़प्पन कल्चर का टाउन प्लानिंग क्या थे, उसके क्या सेलियंट फीचर्स थे, ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सेकेंड कि ग्रिड सिस्टम था, मतलब कि स्ट्रीट्स और लेयर्स को किया क्या हुआ था राइट एंगल पे। हड़प्पन मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में सिटाडल था। ठीक है, सिटाडल के बिलो लोग मतलब कि ब्रिक हाउसेस में रहते थे। इसके अलावा लार्जली यूज़ किया जाता बर्न ब्रिक्स को, सो दैट को कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाए। इसके अलावा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था और विच वर कॉल्ड बाय द स्टोन स्लैब्स फॉर बर्न ब्रिक्स। ठीक है, मतलब ये हम सब पढ़ चुके हैं, मैंने आपको सब बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पब्लिक प्लेस था मोहनजोदड़ो का वो ग्रेट पार्क था, जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो इतनी इंपॉर्टेंट है। जो इस ग्रेट पार्क का जो फ्लोर था वो बर्न ब्रिक्स से बना हुआ था। इसके अलावा जो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी मोहनजोदड़ो की वो ग्रैनरी थी, इसकी मेजरमेंट अगेन नहीं है। बट जो हड़प्पा का जो सिटाडल था वो उसमें छः ग्रैनरीज थी। इकोनॉमिक लाइफ ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्राफ्ट एंड ट्रेड, वीट बार्ले मेन क्रॉप थी, इसके अलावा सीजन मस्टर्ड एंड कॉटन भी था। ठीक है, सरप्लस जो ज़्यादा ग्रेन था उसको ग्रैनरीज में स्टोर किया गया। एनिमल्स थे कुछ, शीप कोट्स को कैलो। ठीक है, इसके अलावा हम एनिमल्स को हंट भी करते थे, जैसे डियर को। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा आर्टिसंस थे, जैसे गोल्ड स्मिथ, ब्रिक मेकर्स एंड ओल्ड मैन के। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स को आप काफ़ी प्लेस में पाए जाएंगे। पोटरी को बनाया जाता था। ठीक है, और रेड एंड ब्लैक पेंट किया जाता था। बीड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था और हम इंटरनल ट्रेड भी करते थे विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, फॉरन ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया, अफगान और ईरान के साथ। फाइन, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया, सेमी प्रीशियस स्टोन्स को हम एक्सपोर्ट करते थे, आयरन ए गोल्ड कॉपर और ग्रीन को एक्सपोर्ट हम करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा ट्रेड काफ़ी ज़्यादा था इंडस और सुमेरन पीपल में। फिर हमने पढ़ा था टेराकोटा मॉडल भी, इस पर चला कि बुलर पार्ट ऑफ ऑप्शन को हम यूज़ करते थे लैंड ट्रांसपोर्ट के, और डोर्स एंड शिप के थ्रू सी ट्रांसपोर्ट करते थे। सोशल लाइफ पढ़ लिया है, अपर और लोअर कार पर होता था, बीड्स दोनों के द्वारा किए जाते थे, ज्वेलरीज भी पहने जाते थे वुडन के द्वारा, ऑर्नामेंट्स गोल्ड सिल्वर इन सब के यूज किए जाते थे। वेरियस जो हाउस होल्ड आर्टिकल थे पोटरी स्टोन शेल आइवर मेटल, ये सब आपको मोहनजोदड़ो मिल जाएंगे। कॉपर से हम स्पिंडल नीडल्स कॉम से सब बनाते थे, चिल्ड्रन के प्राइस भी होते थे, मार्बल बोर्ड्स इन सब हम यूज़ करते थे गेम्स के लिए। फिशिंग एक रेगुलर ऑक्यूपेशन था, कुछ हंटिंग और बुल फाइटिंग फेमस पास टाइम था, कुछ आपको वेपन्स और बोर्ड मिलेंगे जैसे एक्सेस पायलट्स वगैरह जो कि कॉपर एंड बोर्ड्स के बनाए गए थे। एक सेकेंड यार, नेक्स्ट है आर्ट्स। हड़प्पन कल्चर में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आर्ट मिलेगा, फिगर ऑफ मैन वुमेन एनिमल वर्ल्ड सब कुछ बना हुआ है। फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल है जो मोहनजोदड़ो में मिलेगी। हड़प्पा में भी मैंने बोला था दो स्टैचूज मिलेंगे, जिसमें एक बैक व्यू ऑफ मैन है, लगभग दूसरा स्टैचू डांसर का है। ठीक है, पोट्री मिलेगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा फाइन आर्ट है, पोर्ट्स और चार्ज बहुत ज़्यादा पेंट किए जाते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन से कलर से पोट्री को पेंट किया जाता था बेटर क्वालिटी में, एंड काफ़ी ज़्यादा ज्योमेट्रिकल पैटर्न हैं, पिक्टोरियल मोटिव्स को बनाते थे। स्क्रिप्ट पढ़ चुकी हूँ मैं, ठीक है, सब कुछ बता चुकी हूँ। भावनी स्क्रिप्ट थी, ठीक है, जिसको हम राइट टू लेफ्ट में लिखा जाता था। ठीक है, एंड लैंग्वेज ट्रावीरियन थी। नेक्स्ट टाइम मतलब अच्छे से अभी भी हम उसको डिकोड नहीं कर पाए वैसे हड़प्पन स्क्रिप्ट की। ठीक है, आप देख सकते हो नंबर ऑफ साइंस थे 400-600, जिसमें से 40 और 60 जो बेसिक है, बाकी रेस्ट वेरिएंट है। तो ये मैं आपको बताई थी। नेक्स्ट टाइम रिलीजन टेराकोटा फिगर्स से पता चला हुआ, तो चीफ स्टेटी मैंने बताया पशुपति जी थे जो कि अपनी योगा पोस्टर बैठे थे, तीन फेजेस और दो हॉर्स थे, सराउंडेड बाय फोर एनिमल्स एलिफेंट टाइगर रीनो बुफेलो, और दो डियर्स उनके पीठ पे थे। फीमेल डीटीज मडर गोडेस को भी रिप्रेजेंट किया जाता, लिंगा जी को वर्षिप किया जाता, डेज और एनिमल्स को भी वर्षिप किया जाता, गोल्स को रिलीव के लोग विलीव करते थे। बुल मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं, आपको पढ़ लेना। डिक्लाइन ऑफकोर्स बताते हैं, नेचुरल कैलामिटीज माना जाता है, उसके लिए बोलिंग बोला जाता है कि इन्वेट कर लिया। आयरन स्नेक कुछ बोलते हैं कि वहाँ पे फॉरनर्स आ गए थे, तो क्योंकि आयरन के पास पीले वापस थे और उनको मिल गए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो कर लेते हैं एक बार क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपको कितना आता है। कैलकुलेटिक एज के बाद कौन से स्टेज आती है मुझे बताना, बी एम और मैंने क्या कहती एन सी ना दादा। कैलकुलेटिक एज के बाद कौन सी आती है, आयरन एज, आयरन एज आती है। पोर्ट सिटी हड़प्पन कल्चर की कौन सी थी, लोथल थी। आपको बताना मोस्ट फेमस मेगालिथिक साइट तमिलनाडु में कौन सी थी, आप बताना बी से थी पय्यम्बलुर। चीफ फीमेल डीटी थी वो कौन सी थी, गोडेस थी, जिसको हमने मदर गोडेस। ठीक है, एकदम धरती माता को मानते थे। ठीक है, आपको बताना कौन कौन सा है, औरती जी गुजरात में है। ठीक है, धोलावीरा सुन नहीं ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में है, वनावली हरियाणा में है, और पोर्ट दीजिए गाइस सिंध में है। ठीक है, पोर्ट दीजिए सिंध में है, धोलावीरा गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, और बनावली हरियाणा में। भाई तो ये याद रखना है, करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है।
देर आर थ्री स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ हरप्पन कल्चर, चार स्टेज था, प्री अर्ली मेच्योर एंड मीटर, ठीक है, तो ये गलत हो गया। परकोला कॉन्क्लूडेड दैट द लैंग्वेज ऑफ द हरप्पन कल्चर नहीं द्रविडियन थी ना, तो गलत हो गया। सर जॉन मार्शल यूज द रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, द हड़प्पन पीपल बिलीव इन द घोस्ट एंड यूज एमेंट्स दैट आर, ये बात बिल्कुल सही है, तो जो टेक्स्ट पे ना गुडी है, ठीक है। अब गाइस बचे हुए क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, शॉर्ट नोट आपको खुद लिखने हैं, आंसर मन करे तो लिख लेना, आई विल अगेन सजेस्ट यू लिख लो तो पढ़िए, नहीं लिख सकते तो थोड़ा सा बस क्वेश्चन को पढ़ो और आपको जहाँ लग रहा है कि हाँ ये आंसर नहीं मिले, ट्रू और फॉल्स पढ़ लेते हैं। ओल्ड स्टोन एज पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, नो, मतलब तो एग्रीकल्चर आया नहीं था ना पैलोलिथिक एज में। माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड बाय द मेसोलिथिक पीपल, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। ट्रेड लिंक्स एग्जिस्टेड बिटवीन द इंडस एंड सिमियन, यस, इतना अच्छे से हम एविडेंस नहीं है लेकिन माना जाता है। हरप्पन पीपल डिड नोट नो द आर्ट ऑफ कटिंग गलत, ठीक है, उनके पास तो था ना ब्राह्मी स्मृति। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया, वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, तब तक बाय।